ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨਹਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ BW ਬਲੋਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ BW ਬਲੋਕ ਮੇਂ ਰਹਿਤੀ ਹੂੰ। परसों रात को 28 तारीख को करीब रात के 10:15 बजे हमारे जो पड़ोसी हैं पवन सानी और उनकी बीवी सरोज नाहर और बिट्टू शर्मा और उनकी बीवी सोनिया शर्मा, इन्होंने हमें नीचे बुलाया बातचीत करने के लिए। और हम लोग, मेरा भाई, सबसे पहले मेरा भाई नीचे गया। इन्होंने जैसे ही आगे जाके उसको लेके गए आगे की तरफ, वहाँ जाके उनने, सरोज नाहर उसके पति ने और कुछ लोगों ने मिलके मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया सीधा सर पे, जिससे उसका सर फट गया। और जैसे ही मैंने ये देखा, मैं भागी भागी गई अपने भाई को बचाने के लिए। उन लोगों ने मेरे को भी पकड़ के, वहाँ पे एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे को गलत जगह छुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे भी सर पे मार के मेरा भी सर फाड़ दिया, जिससे मेरे यहाँ पे टांके आए हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे बेहोश हो गए, हमारे इलाके के कुछ लोग हमें पुलिस से वहाँ पे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पे हमारा इलाज करवाया। फिर जब हम लोग घर आए, घर आने के बाद हम लोगों ने पुलिस के पास गए कि हमारा इस तरीके से हमारे साथ हुआ है, तो आप कार्रवाई कीजिए। 48 घंटे हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद कल रात को हमारे कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं जो हमारे एरिया के हैं, वो सब आए। जब उनको ये बात पता चली, उन्होंने यहाँ पर आकर पहले हमसे मामला पूरा पूछा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों को जब आए यहाँ पर, तब उन्होंने तरीके से हमारी बात सुनी है, और यहाँ पे उन्होंने फिर हम लोगों को लेके जाके उन्होंने उसी टाइम पे कंप्लेन ली हमारी, उसी टाइम पे हमारी FIR लॉन्च करवाई। और अब मैटर ये हो रहा है यहाँ पे कि हमारे जो ये दो फैमिली हैं, जिसमें पवन सानी, सरोज नाहर, बिट्टू शर्मा और सोनिया शर्मा हैं, ये तकरीबन 2 साल से, 2015 में मेरे पापा की डेथ हुई थी, उसके बाद से बिट्टू शर्मा ने हमें इतना तंग किया है कि पुलिस में हमने 2 साल से 5 कंप्लेनें डाल चुके हैं, जो पुलिस के पास जिसकी हर चीज़ की जानकारी है, उसके बाद भी इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं ली। और पिछले 2 सालों से इन लोगों ने हमारा इतना जीना हराम किया हुआ है, ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाएँ, हम लोग यहाँ रहें नहीं। जितनी भी सिख संगत हमारे साथ आके, हमारे इस हालातों में आके हमारे साथ खड़ी हुई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस वक्त हमारी मदद करी जब कोई हमारे साथ नहीं आया। और हम आपसे, मैं आपसे भी इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस चीज़ में हमारा सहयोग करेंगे, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है।